हेलो गाइस, द टॉपिक इज नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नेचुरल ज्वाइन से पहले मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ ज्वाइन के बारे में बात की थी और मैंने एक सिनेरियो डिस्कस किया था विद द टेबल के किस जगह पर हम ज्वाइन को यूज करते हैं, मतलब कि कौन से सिनेरियो में हम ज्वाइन को यूज करते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मेरी वीडियो जरूर वॉच कर ले ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे ज्वाइन को हम यूज करते हैं, किस सिनेरियो में ज्वाइन को यूज करते और कौन कौन उनके टाइप है। तो उन टाइप्स में मैंने जो है एक टाइप है नेचुरल ज्वाइन, और ये जो नेचुरल ज्वाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जितने भी ज्वाइन के टाइप है उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल ज्वाइन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेचुरल ज्वाइन के ऊपर ही आते हैं। और दूसरा, मैं इन शॉर्ट ये भी कह सकता हूं कि जिसको नेचुरल ज्वाइन समझ नहीं आया उसको ज्वाइंस के बारे में समझ आ ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो यानी नेचुरल ज्वाइन के बारे में समझना सबसे पहली प्रायोरिटी है। अब हम इस वीडियो में नेचुरल ज्वाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसका सिंटैक्स डिस्कस करेंगे विद द एग्जांपल, मतलब कि रियल लाइफ एग्जांपल से टेबल्स की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको नेचुरल ज्वाइन के कंसेप्ट के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेचुरल ज्वाइन से पहले अगर मैं सिर्फ ज्वाइन की बात करूँ कि ज्वाइन हमेशा आप याद रखना, ज्वाइन ऑलवेज आप याद रखना, ज्वाइन इज व्हाट इट इज क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड सम कंडीशन। तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन, एनी कंडीशन इज देयर, बट यू हैव यू रिमेंबर ऑलवेज ज्वाइन इज ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन। मतलब जब भी आपको आ जाए कि ज्वाइन, तो बाय डिफॉल्ट मान के चलना के क्रॉस प्रोडक्ट होगा ही होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, क्या होगा, वो हम पूरा एग्जाम्पल से जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने दो टेबल दिया, एक एम्प्लॉय का टेबल लिया और एक डिपार्टमेंट का टेबल लिया। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय नेम और एड्रेस, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट का नंबर, डिपार्टमेंट का नेम और एम्प्लॉय का नंबर, और यहाँ पे मैंने तीन चार इंटीजर इंसर्ट किया। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझको एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करना है, एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करना है या प्रिंट करना है, तो जो के लेट्स सपोज वो उकाड़ा से बिलोंग करता है, तो वो लेट्स सपोज कि वो उकाड़ा से बिलोंग करता है, तो जब भी आपको क्वेरी आती है, जब भी आपको दो टाइप के क्वेश्चन आएगी, या तो आपको क्वेरी दी गई होगी या उसके बेस पे आपको रिजल्ट फाइंड करना, या फिर आपको रिजल्ट दिया होगा और उस बेस पे आपको क्वेरी लिखनी होगी। तो क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन में क्वेरी जो दी होगी और आप उसको यूज कर सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बाद की बात है। पहले मुझको ये सीखना है कि क्वेरीज को कैसे फ्रेम करते हैं, तो हम वही बात यहाँ पे करने वाले हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि यू हैव टू प्रिंट एम्प्लॉय नेम जो उकाड़ा से मेरे पास बिलोंग करता है, जब भी आपके पास क्वेरी आए तो सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी है कि क्वेरी का आंसर किस टेबल से पता लगेगा। मींस यू हैव टू फाइंड फर्स्ट द टेबल नेम, पहले आपको ये पता लगाना है कि किस टेबल से मुझे पता लगेगा, जिस टेबल से आपको आउटपुट मिलेगी। अगर मुझे एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करना है जो कि मेरे पास उकाड़ा से बिलोंग करता है, तो उकाड़ा मतलब एम्प्लॉय का एड्रेस उकाड़ा है, सिर्फ मुझे एम्प्लॉय टेबल की हेल्प से आउटपुट मिल जाएगी। और हम इसको कैसे लिखते हैं, सिंपल तरीका है सिलेक्ट कमांड को यूज करके। मैं कहूँगा सिलेक्ट के साथ हम क्या लिखते हैं, जो आउटपुट में डिस्प्ले में मुझे प्रिंट करवाना, तो यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करवाना है, एम्प्लॉय का नेम मुझे प्रिंट करवाना है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या है, एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करवाना है जो कि मेरे पास उकाड़ा से बिलोंग करता है। तो मैं कहूंगा सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम किस में से, एम्प्लॉय टेबल केबल एम्प्लॉय में से, वेयर जिसका एड्रेस है मेरे पास इज इक्वल टू उकाड़ा, तो जिसका मेरे पास एड्रेस है उकाड़ा, तो वेयर एड्रेस इज इक्वल टू उकाड़ा। तो सिंपल सी कमांड है, इस कमांड को आप, मेरे लिखने का पर्पज यही है कि आपको यह बताने कि जब भी कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको आप टेबल फाइंड करो किस टेबल में आपको आउटपुट मिलेगी। लेकिन चलो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बात करूंगा ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द एम्प्लॉय नेम्स, एम्प्लॉय का नेम्स फाइंड करो हु इज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट। मतलब आपको सिंपल सा पहले क्या करना है, एम्प्लॉय के नेम्स फाइंड करने हैं जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे। तो ये आपको इसी सिनेरियो में, मतलब को आपको दो टेबल्स जो दिए हुए हैं, ये आपको एक एम्प्लॉय का टेबल दिया गया एक डिपार्टमेंट का, और इन टेबल की बेसिस पे आउटपुट जो है क्वेरी जो है लिखनी है। तो
तो क्वेरी आपने इन दो टेबल की बेस पर लिखनी है। तो मैं, मेरे पास ये एम्प्लॉय है, ये डिपार्टमेंट है, तो मैं कह रहा हूँ फाइंड द एम्प्लॉय नेम हु इज़ वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय का नेम जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि कौन कौन से टेबल की मुझे ज़रूरत है। एम्प्लॉय टेबल की ज़रूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ओबियसली ये इसकी मुझे ज़रूरत है क्योंकि नेम्स किस में है, एम्प्लॉयज़ में है। तो क्या वो एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये कौन बताएगा मुझे। डिपार्टमेंट टेबल कैसे, एम्प्लॉय वन है मेरे पास, इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट वन, मतलब कि यहाँ पे ये वन क्या बता रहा है कि ये वन बता रहा है कि एम्प्लॉय वन जो है डिपार्टमेंट वन में काम कर रहा है, एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट टू में, एम्प्लॉय फोर डिपार्टमेंट थ्री में, और उनके क्रॉसपोंडिंग इन थ्री एम्प्लॉय के क्रॉसपोंडिंग नेम क्या है। मेरे पास नेम क्या है, अली कफील, और विकी मेरे पास, मतलब कि विकी मेरे पास नेम है, अहमद कोई ऐसा नेम है जिसका कोई डिपार्टमेंट में इनरोल नहीं है। मतलब मेरी फाइनल में आउटपुट क्या आनी चाहिए, अली कफील और विकी मेरी फाइनल में आउटपुट आनी चाहिए। इस क्वेरी को हम लिखेंगे कैसे, इस क्वेरी को हमने कैसे सोल्व करना है, नेचुरल ज्वाइन की हेल्प से। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नेचुरल ज्वाइन ही लगेगा, ऑल द इक्वी ज्वाइन और सब क्वेरी से भी कर सकते हैं, बिकॉज हम इसको नेचुरल ज्वाइन से करेंगे। नेचुरल ज्वाइन सबसे पहले होता क्या है, जब भी आपको दो टेबल्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन एट्रीब्यूट को इक्वल करना है, जब भी इन दोनों टेबल के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट आपने इक्वल करना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, एम्प्लॉय नंबर। आप देख सकते हो एम्प्लॉय टेबल में भी एम्प्लॉय नंबर है और डिपार्टमेंट में भी एम्प्लॉय नंबर है, उनका नेम सेम होना चाहिए, तो दोनों में एम्प्लॉय नंबर सेम है। अब इन दोनों एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू जो है बराबर रखनी है मुझको, मतलब कि इक्वल होनी चाहिए, जिनके क्रॉसपोंडिंग आ रही है तो उसकी वैल्यू फाइनल में आपको प्रिंट करवानी है। तो जब भी आपको कॉमन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को इक्वलाइज करना, बराबर रखना है, तो उस केस में हम हमेशा नेचुरल ज्वाइन को यूज करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी क्वेरी को लिखना। मैं कहूँगा सेलेक्ट, ये मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, इधर गौर करना, गौर से ध्यान से सुनना इधर से। तो मैं आउटपुट क्या दिखानी है, फाइंड द एम्प्लॉय नेम। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय नेम। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम मैं कहूँगा फ्रॉम। तो मैं कहूँगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम, अब ज्वाइन जो है मैंने पहले बता चुका हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन। तो पहले यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगी, तो कौन कौन से टेबल की हमें ज़रूरत है, एम्प्लॉयड टेबल की और डिपार्टमेंट टेबल की। तो आपको क्या लिखना है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कोमा डिपार्टमेंट। अब सबसे पहले इस पॉइंट पे आ जाओ जिसको मैंने हाईलाइट किया है, एम्प्लॉय कोमा डिपार्टमेंट पे आ जाओ कि इसका मतलब क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था ज्वाइन क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन, तो आपने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, और ओबियसली मैंने पहले भी बताया कि ज्वाइन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन है। आप जब भी कंडीशन लगाओगे हमेशा पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगा ही होगा, उसके बिना ज्वाइन हो ही नहीं सकता। तो चलिए एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट को हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो आउटपुट क्या आई, तो मैंने टाइम को सेव करने के लिए इधर लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा हुआ है पहले आउटपुट को प्रिंट किया। करना क्या, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक रो को उठाओ दूसरे रो की सारी रोज को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब के एम्प्लॉय नंबर वन है इस तीनों रो से मल्टीप्लाई करो, सेकंड इसके बाद एम्प्लॉय नंबर टू को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, एम्प्लॉय नंबर थ्री को इन तीनों रो से मल्टीप्लाई करो, और फोर को इन तीनों रो से मल्टीप्लाई रो से मल्टीप्लाई, मतलब कि एम नंबर ऑफ रोज है और एन नंबर ऑफ रोज है, तो आपने क्या करना कि आपने करना है एम क्रॉस एन। तो मैंने ये एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नंबर ये मैंने एम्प्लॉय टेबल से उठा लिया, और ये दोनों मैंने डिपार्टमेंट टेबल से उठा लिए। अब सारे एट्रीब्यूट को भी आप लिख सकते हो, लेकिन स्पेस की वजह से मैंने दो दो एट्रीब्यूट को उठाया, तीन तीन एट्रीब्यूट को उठाया, तो तीनों एट्रीब्यूट को लिख सकते हो, छह ही एट्रीब्यूट भी आप लिख सकते हो। मैटर क्या करता है, नंबर ऑफ रोज, दो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी, फोर इंटू थ्री, फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री क्या इतनी हो जाएगी, ट्वेल्व। तो मैंने प्रॉपर यहाँ पे ट्वेल्व नंबर ऑफ रोज जो लिखी हुई है। अब मेन पॉइंट क्या है, नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि दोनों टेबल्स के बीच में जब कॉमन एट्रीब्यूट है उसको बराबर रखना है, उसको बराबर रखना है, इक्वल करना है। तो मुझको क्या करना है कि दोनों टेबल्स के वेयर, तो मैं कहूंगा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कोमा डिपार्टमेंट, वेयर एम्प्लॉय डॉट, मतलब कि एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय एम्प्लॉय नंबर।
तो इम्प्लॉय डॉट इम्प्लॉय नंबर दिस वन, इम्प्लॉय डॉट इम्प्लॉय नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लॉय डॉट इम्प्लॉय नंबर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, इम्प्लॉय टेबल के अंदर जो इम्प्लॉय नंबर है इज इक्वल टू डिपार्टमेंट टेबल डॉट इम्प्लॉय नंबर। मेन पॉइंट यही है, ये समझ आ गई तो आपको समझ आ जाएगी, दिस इज द कंडीशन। आपने देखो क्या किया, इम्प्लॉय टेबल के अंदर जो इम्प्लॉय नंबर है उसको बराबर रखा, इक्वल रखा डिपार्टमेंट टेबल के जो इम्प्लॉय नंबर है, लगी समझ, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो इम्प्लॉय नंबर इसको इसके इक्वल रखा, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है उसको आपने आपको बराबर रखना है, तो यही दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट है उसको मैंने बराबर रख लिया, और कॉमन होना चाहिए, एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट शुड बी कॉमन, अगर कॉमन ही ना हुआ तो आप दो टेबल को ज्वाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ज्वाइन करने की जरूरत ही क्या आपको, अगर एक टेबल मुझको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूसरा कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो मुझे ज्वाइन करने की फिर जरूरत क्या है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो वाई हम उसको क्यों ज्वाइन कर रहे थे, ज्वाइन में उसको तभी करूंगा तो जब कुछ ना कुछ कॉमन हो, तो उसी कॉमन को हमने बराबर रखना है, इक्वल लगा दिया बस बीच में, बस मैंने क्या लगा दिया, इक्वल लगा दिया, तो ये कंडीशन जो है इक्वी ज्वाइन की भी कंडीशन है, इक्वी ज्वाइन को भी हम ऐसे लिखते हैं, बस उसमें इक्वल ही लिखते हैं, बट हम नेचुरल ज्वाइन के बारे में हम बात कर रहे थे, मैं उसी को बताता हूँ। तो इस क्वेरी को अगर मैं बोलूँ कि फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, जब आपने लिया तो कितने नंबर ऑफ रोज होगी, 12 नंबर ऑफ रोज होगी, अब इन 12 रोज के ऊपर क्या चलेगी, ये वाली कंडीशन चलेगी, जहाँ एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर शुड बी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर। तो आप सबसे पहले आ जाओ एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर, तो एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, क्या दोनों बराबर है, यस दोनों इक्वल है, देखो एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर डॉट एम्प्लॉय नंबर, मतलब कि एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर, तो इस रोज को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल है, इक्वल हमने किस तरह देखना कि ये देखो ना आप इधर देखो, तो मेरे पास क्या है कि एम्प्लॉय वन है मेरे पास, इधर भी मेरे पास एम्प्लॉय वन है, तो इधर मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर वन है, तो इधर से आप देखो कि जो मेरे पास एम्प्लॉय वन है वो इधर इसको मुझे शो कर रहा है डिपार्टमेंट वन, जिसका डिपार्टमेंट नेम है HR और उस वो वन है, तो मतलब कि ये सेम होना चाहिए, जो एम्प्लॉय नंबर हो वो ही एम्प्लॉय नंबर होना चाहिए और वो ही डिपार्टमेंट नंबर होना चाहिए, वो ही डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए, तो ये आप देखो कि इधर मेरे पास वन है एम्प्लॉय नंबर और इधर मेरे पास अली है और इधर भी मेरे पास सेम है, अब आप सेकंड में गौर करोगे तो वन मेरे पास एम्प्लॉय नंबर है जो कि अली है, उसके बाद मेरे पास क्या है कि मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर टू आ रहा है, तो इधर तो मेरे पास एम्प्लॉय नंबर है जो डिपार्टमेंट नंबर है वो तो मेरे पास वन है D1 है और इधर मुझे वो D2 शो कर रहा है, मतलब कि ये इक्वल नहीं है, इसी तरह आपको इन सब को चेक करना है, तो 1 = 3 नो, तो ये भी मेरे पास नहीं होगा, तो इधर मैंने जो मेरे पास ट्रू है उसको मैंने टिक किया हुआ, बाकी को मैंने फॉल्स किया हुआ, तो मतलब कि जब भी ये कंडीशन चलेगी सब रोज के लिए कंडीशन चलेगी, तो ये मेरे पास एक सेम है, इसके बाद ये भी रिजेक्ट हो जाएगी, 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 अब इधर ये मेरे पास मतलब कि कंडीशन ठीक है, कंडीशन कैसे ठीक है मेरे पास, कंडीशन मेरे पास ऐसे ट्रू है कि जो मेरा एम्प्लॉय नंबर टू है, इधर आप फोकस करो एम्प्लॉय नंबर टू है उसका मतलब के डिपार्टमेंट नंबर क्या है, D2 है, तो आप इधर देखो एम्प्लॉय नंबर टू है उसका डिपार्टमेंट नंबर D2 है और उसका एम्प्लॉय नंबर क्या है, एम्प्लॉय नंबर भी उसका 2 है, मतलब कि एम्प्लॉय नंबर भी 2 है, मतलब ये मेरे पास कंडीशन ठीक है, तो ये वाली मेरे पास कंडीशन ठीक होगी, बाकी ये मेरे पास कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी, ये भी मेरे पास कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी, बाकी सारी कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी, और फोर्थ लास्ट वाली मेरे पास कंडीशन एक्सेप्ट होगी बिकॉज 4 मेरे पास एम्प्लॉय नंबर है और डिपार्टमेंट नंबर भी उसका D3 है और उसका एम्प्लॉय नंबर भी 4 है, मतलब कि जो रो डिलीट होगी उनको मैंने ख़त्म कर दिया, मतलब कि ये सारी रो मेरे पास डिलीट होगी, सिर्फ मेरे पास ये बचा, एक मेरे पास ये वाली बची और एक ये वाली मेरे पास रो बची और एक सबसे लास्ट वाली रो बची, तो मैं इनको इकट्ठा एक साइड पे लिख लेता हूँ, एक साइड पे लिखा हुआ है बल्कि मैंने एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम, मतलब कि एम्प्लॉय नंबर वन है, अली है, D1 है और 1 है, उसको मैंने सेपरेट करके लिखा हुआ, उसके बाद हमारे पास कौन सी कंडीशन एक्सेप्ट हुई थी, एक ये वाली 2 कफील D2 और 2, तो ये मैं इसको इधर लिख लूँगा 2 कफील D2 और 2 और ये एक मेरे पास ये वाली कंडीशन बची 4 वाली 4 D3 और 4 एयर, ये वाली एक कंडीशन मैंने लिख ली, इस पूरे का आउटपुट क्या आ गया, ये वाले आउटपुट मेरे पास आ गई, अब इस पूरे के आउटपुट में से आपको क्या प्रिंट करवाना है, एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम आप उठा लो, तो आप एम्प्लॉय नेम प्रिंट कर दो, अली कफील और विकी, आपकी ये आउटपुट है, ये वाली मेरे पास आउटपुट है, तो ये वाली मेरी आउटपुट आ गई,
तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास यही आईडी देख सकते हो कि यही आपके पास आउटपुट आ रही है, क्योंकि वन जो है मेरे पास एम्प्लॉय नंबर, वो भी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जिसके एम्प्लॉय नंबर टू है वो भी किसी डिपार्टमेंट में इधर काम कर रहा है। आप गौर से देखो, फोर है वो भी मेरे पास किसी में काम कर रहा है डिपार्टमेंट में, जो मेरे पास अहमद है वो किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा, मतलब कि अहमद मेरे पास आया भी नहीं, आप इधर देख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल जो है आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी सिचुएशन में, जहाँ पे आपको दो टेबल्स के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट मतलब जो दोनों में सेम हो, तो उस एट्रीब्यूट को बराबर रखना है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल ज्वाइन। अब लास्ट जो पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेरी को एक्चुअली हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से मैं लिखूंगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट। तो इस क्वेरी को हम इस तरह लिखेंगे, मैं लिखूंगा सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट। तो इस क्वेरी को मैं एक्चुअल में इस तरह लिखूंगा, डैश इट। तो दिस इज अ एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग। तो लेकिन अगर मैं पहले ही ये लिख देता तो आपको क्लियर ही ना होता, तो नेचुरल ज्वाइन कर क्या रहा है, नेचुरल ज्वाइन कर क्या रहा है, नेचुरल ज्वाइन ये क्या कर रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर आपको कहा जाए कि फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ज्वाइन नेचुरल ज्वाइन टेबल वन एंड टू, आप समझ जाते, लेकिन जो इन एक ये वाला टेबल है और एक ये वाला टेबल है, इन दोनों टेबल में एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए, ऐसे ना हो इधर एम्प्लॉय नंबर हो और इधर एम्प्लॉय नंबर कुछ और, फॉर एग्जांपल आप डिपार्टमेंट आईडी रख सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास सेम एट्रीब्यूट होने चाहिए। तो अगर अदरवाइज आपको इस तरह लिखने पड़ेंगे, अगर आपको नेचुरल ज्वाइन लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते। तो अगर आप इन दोनों को देखो तो ये दोनों क्वेरी जो इक्वल, मैंने एरो का निशान लगाया हुआ है इन इस क्वेरी को, अगर मैं ओपन करके एक्सप्लेन करूँ तो इस क्वेरी को अगर मैं ओपन करके एक्सप्लेन करूँ तो मैं इस तरह करूँगा, ताकि मैंने इसको इस तरह लिखा ताकि नेचुरल ज्वाइन काम कैसे करता है। तो नेचुरल ज्वाइन तभी काम करेगा जब दो टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट हो, उसका नाम सेम, जब भी हम उस कॉमन एट्रीब्यूट को बराबर रखते हैं, इक्वल रखते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल ज्वाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ नेचुरल ज्वाइन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेचुरल ज्वाइन, हाउ वी यूज इन रियल लाइफ सिनेरियो। ये था सीक्वल की टर्म में, जब हम स्ट्रक्चर क्वेरी के टर्म में इस सिंटैक्स को हम इस सिंटैक्स से लिखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।